नमस्कार, मेरा नाम अनुयास कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं कतर देश का सनैया यानी इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। यहाँ देख सकते हैं पूरा ये सब गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। कतर देश का जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्री है वो यही इलाका में है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ पर मैं आया हूँ एक दोस्त के रूम में, यहाँ पर लेबर कैंप है, तो दिखाता हूँ कि कतर देश में लेबर कैंप कैसा होता है। और ये लेबर कैंप इंडस्ट्रियल एरिया कतर का है और यहाँ बहुत सारे मतलब 200 भी लेबर कैंप से ज़्यादा होंगे पूरा ये टोटल इंडस्ट्रियल एरिया में। तो चलिए लेबर कैंप का मैं विजिट करता हूँ और दिखाता हूँ कि लेबर कैंप किस तरह का होता है। तो आइए यहाँ से चलते हैं एक लेबर कैंप। हमारे मित्र का यहाँ रूम है, ये देखिए यहाँ से 2 मंजिला लेबर कैंप है यहाँ पे। ये सब यहाँ देखिए मेन गेट से यहाँ पे ये सब, और कारपेंटर कंपनी वाले का ये सब लेबर कैंप है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो जो भी ये कंपनी है कारपेंटरी कंपनी है और उसका टोटल ये वर्कर का है यहाँ पे लेबर कैंप है और 2 मंजिला है ये, ठीक है। तो सब देखिए इस तरह से यहाँ पे सब जूता वगैरह रखने का यहाँ पे जगह है। और मैं चलेगा एक रूम भी दिखाएगा अपना दोस्त का। तो यहाँ पे बाथरूम है, कई बाथरूम है यहाँ, क्लियर आता है कि इतने सारे रूम का इधर बाथरूम यहाँ मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ये बाथरूम इस तरह से रहता है यहाँ पे, देखिए इधर 1, 2, 3, 4 है और सबका अलग अलग है, अपना ताला लगा के रखा हुआ है, सेपरेट सेपरेट मिलता है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, यहाँ भी लॉक है। तो अलग अलग रूम का एक एक सेपरेट बाथरूम यहाँ पर रहता है। इधर वॉशिंग मशीन है जो कि कुछ ख़राब वगैरह दिख रहा है ऐसे। तो कतर देश में वर्कर लोग का बड़ा बड़ा कंपनी का लेबर कैंप दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा का तो इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता। यहाँ देखिए इस तरह से कपड़े लोग सुखाते हैं, निकाल करके धो करके धुलाई करके इस तरह से टांग देते हैं। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे उसी कैंप का यहाँ पे देखिए नज़ारा है। यहाँ देखिए दोनों तरफ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह टांगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे अपने एक मिस्र का रूम में जाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सब, आज फ्राइडे का दिन है और छुट्टी का दिन है यहाँ पे, तो आज ज़्यादातर लोग आज रूम में ही मिलेंगे। और कौन सा रूम, यहाँ यहाँ पे एक अपने दोस्त का रूम का विजिट कराता हूँ। इधर गए, हाँ हाँ भैया, ये किचन किचन है इनका। देखिए यहाँ पे किचन दिखा देता हूँ, लेबर कैंप का किचन। और आप बैक कैमरा का ही लाइट ऑन कर देता हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, सबका अलग अलग रूम का अलग अलग एक गैस चूल्हा है इस तरह से। और कितने रूम का है किचन है, कितने रूम का, 10 रूम का, कितने रूम का है लोग यहाँ खाना बनाते हैं? इसमें ओनली 4 रूम, 4 रूम का। अच्छा, तो यहाँ पे 4 रूम का है। ऐसे ऐसे और भी किचन है क्योंकि बहुत बड़ा एक कैंप है, तो फिक्स रहता है कि इतना रूम का इधर किचन है, इतना रूम का ऐसे किचन है। सब वर्कर लोग का है यहाँ पे, इस तरह से देख लीजिए 2 मंजिला है। और भी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेरे दोस्त का मैं भूल गया, देखिए यहाँ पर बाथरूम, इधर भी बाथरूम है। तो अलग अलग यहाँ रूम का देखिए, यहाँ पर भी अपना लॉक लगा के रखे, सेपरेट सेपरेट बाथरूम रहता है एक एक रूम का, और चाबी अपना रूम में रहते हैं। तो एक रूम में कितना लोग रहते हैं वो अलग चल के दिखाऊंगा मैं। और आज काफ़ी गाना शोर शराबा सब गाते रहते हैं रूम में। तो यहाँ पे मेरा दोस्त का यहाँ पे रूम था, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि पहला बार आया हूँ तो हमें पता नहीं। बिल्कुल मैं रूम भूल गया था मैं दूसरे में ढूंढ रहा हूँ। 9 नंबर, अच्छा अच्छा 9 नंबर। तो देखिए एक रूम का दिखा देता हूँ, हमारे मित्र देखिए खाना की तैयारी कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं क्या, आटा गूंथ रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो आज हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से एक रूम में 4 बेड है, सब में इतना ही ऐसा ही है? अच्छा, सबका अलग अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए डबल बेड सामने में है और यहाँ पे सिंगल बेड भी है, ये देख लीजिए इस तरह से। यहाँ फ्रिज लगभग हर रूम में मिल जाएंगे और रूम में यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है जो कि 35 रियाल मंथली देना पड़ता है ना, 35 रियाल मंथली। और यहाँ देखिए अपना पूजा पाठ भी करने के लिए अपना
लक्ष्मी माता का, शंकर जी का यहाँ पे मूर्ति वगैरह रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कतर देश में कोई मंदिर तो नहीं है स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अपना रूम में पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा बंदिश नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन लोग के लिए अलग से चर्च बनाया गया है, कई चर्च हैं यहाँ पे कतर देश में, लेकिन और मस्जिद तो खैर अनिवार्य है ही, हज़ारों मस्जिद, लेकिन अभी तक मंदिर नहीं है इस देश में। और फिलहाल अपना वर्कर लोग रूम में जो है अपना आस्था पूजा पाठ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ऊपर का फ्लोर में चलते हैं और ऊपर भी और दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से वर्कर लोग का ऐसा यूनिफॉर्म रहता है। चलिए ऊपर का हम चलते हैं और फ्लोर में, और ऊपर से भी दिखाता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया का नज़ारा दिखाऊंगा, बाथरूम का देख लेते, इसी तरह से रिलेटेड सब सारा कुछ है। हाँ नहीं था तो चलिए यहाँ से इधर से ही चलते हैं। हाँ ऊपर आता हूँ, आओ 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 नेपाल भाई, नेपाल भाई को भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। बहुत सारे यहाँ वर्कर है अलग अलग कंट्री के, इधर से भी जाने का उधर रूम है और इधर से भी है। तो चलिए यहाँ भैया को ले लेते हैं। किधर से हैं भैया आप? यूट्यूब से हैं, यूट्यूब से। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से यहाँ पे रूम है और देखिए बिल्ली लोग भी इधर मौजूद रहते हैं खाना खाने के लिए, सब वर्कर लोग का है ना यहाँ इस तरह से है। तो चलिए इन लोग का रूम में मैं नहीं जा सकता क्योंकि फ्रेंडली नहीं है, एक रूम दिखा दिया यहाँ पे इस तरह से, इधर रूम बाय रूम रहता है ऐसे, कपड़ा सुखाने के लिए इधर ऐसे इस तरह से लोग धुलाई करके यहाँ पे सुखा देते हैं। और यहाँ से देखिए नीचे का नज़ारा ऐसे दिखा रहा हूँ ये, और ये देखिए ये है लेबर कैंप, कतर का कंपनी का लेबर कैंप है, बड़ा सा कंपनी का, छोटा मोटा रहता है तो इतना बड़ा नहीं रहता है, पूरा का पूरा एक ही का है और कई है। चलिए इसे ऊपर भी चलता हूँ और छत का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ से छत का साइड साइड में है तो ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ थोड़ा ऊपर, ऊपर कुछ नहीं यहाँ से दिख रहा है ज़्यादा, साइड में चलता है तो उधर से दिखता। ये छत है जो भी यहाँ पे भी ब्लैंकेट वगैरह सुखाते हैं लोग, यहाँ देखिए इधर भी कपड़ा वगैरह सुखाने का जगह है ना। और इधर आता हूँ मैं और बाहर, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया का नज़ारा दिखाता हूँ छत के ऊपर। ये सरिया में बटन लगा दिया गया कि ताकि कोई गलती से इसके ऊपर गिरे तो ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ देखिए गाड़ी का अंबार लगा हुआ है सब, इधर छोटा मोटा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिए कोई कंपनी का है यहाँ पे, जैसा बड़ा बड़ा जो क्या जैसे भी बोलते हैं उस सबका सर्विस है यहाँ पे, कोई बड़ा सा कंपनी होगा जितने भी उसका गाड़ी होगा उसका यहाँ पे सर्विस है, सर्विस करने का सब है यहाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे देखिए पूरा मैदान ही मैदान इधर, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल एरिया बाहर में ही रहेगा ना, बीच सिटी में तो रहेगा नहीं। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ देखिए एकदम बिल्कुल वीरान वीरान सा दिख रहा है, सब बिल्कुल ही वीरान दिख रहा है इधर। और ये सब वर्कर के लिए सब देखिए बस लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब ड्यूटी टाइम पे सब बस अपना अपना कंपनी के वर्कर को लेके जाता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये सब यहाँ पे इस तरह से। ये पार्ट वन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और एक चलेंगे और दूसरे रूम में चलेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया देखिए सामने में और भी बहुत सारा कैंप है सब, जितने भी दिख रहा है ना बिल्डिंग में एसी लगे हुए, तो मैंने इसका इंडस्ट्रियल एरिया के कई पार्ट बनाया हूँ वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो है सनैया का ये वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा पार्ट वन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पार्ट टू जो है अभी मैं जस्ट अपलोड करूँगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं पार्ट टू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।